ऑल तो आज हम दावत वाली मटन बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे ईद या त्यौहार का टाइम हो या फिर घर पर अचानक से मेहमान आ जाए या फिर छोटी मोटी सी दावत अरेंज करनी हो तो हम इजीली मटन बिरयानी बना कर तैयार कर सकते हैं दस से बारह लोगों की मटन बिरयानी बना कर तैयार करेंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ईजी एंड सिंपल तरीक़े के साथ हम हैदराबादी मटन बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने दो किलो मटन ले लिया है जिसको अच्छी तरह से धो लिया है दो से तीन पानी से धो लेंगे हम सारा पानी निकाल देंगे अब हम इसमें चंद मसाले ऐड करेंगे खड़े मसाले ऐड करेंगे शाजीरा है लौंग है इलायची है दालचीनी है और इसमें हम बड़ी इलायची है जावित्री है यह सब ऐड करेंगे एक एक चम्मच के करीब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे होममेड मसाला है ये अब हम इसमें हरे मसाला ऐड करेंगे कोथिमीर ऐड करेंगे एक मुट्ठी के करीब एक मुट्ठी पुदीना एक मुट्ठी के करीब हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे एक चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे अब हम इसमें तीन से चार चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और चार चम्मच हम इसमें अदरक लहसन पेस्ट ऐड करेंगे एक किलो मटन के लिए दो चम्मच के हिसाब से हमने दो किलो मटन के लिए चार चम्मच अदरक लहसन पेस्ट ऐड किया है प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था आधा किलो प्याज है जिसको हमने फ्राई कर लिया था उसमें से आधी क्वांटिटी में हम प्याज इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसमें पौन किलो यानी कि सेवन फिफ्टी ग्राम्स दही ऐड करेंगे इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिलाने से अच्छी तरह से मेरीनेट करने से इसको हम प्रिपेयर करने में इसका टेस्ट इन्हांस करने के लिए मटन के पीसेस में अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक मरतबा इस तरह से हम मिला देंगे अब हम इसमें जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी वो ऑयल इसमें ऐड डाल देंगे आधा किलो ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी आधा ऑयल यानी कि 250 ग्राम ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे ऑयल मटन में ऐड करने से मटन हमारा अच्छी तरह से कुक होगा अच्छी तरह से हमारा आ, गरम ऑयल इसमें ऐड करेंगे हम ताकि अच्छी तरह से ये आ, तमाम स्पाइसेस को एक जगह जोड़ दे और अच्छी तरह से इसका टेस्ट निकल कर आए तमाम स्पाइसिस का अब हम इसको दो से तीन घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे जब करीब डेढ़ घंटा हो जाए डेढ़ से दो घंटे हो जाए तब हमने चावल भिगो रखना है इसमें डेढ़ किलो बासमती राइस हमने भिगो कर रख लिया था उस हिसाब से हम अधन चढ़ा लेंगे चावल को भिगो कर हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं अब हम इसमें अधन बनाकर तैयार करेंगे खड़े मसाले ऐड करेंगे सारे अब हम इसमें बत... तली हुई प्याज़ ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा मसाला ऐड करेंगे चावल के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे दो चम्मच नमक ले लिया है हमने और दो से तीन चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे जिसके लिए पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए इसका हम इसमें चावल ऐड कर देंगे चावल का पानी निकाल कर जो हमने भीगो कर रखे थे बासमती राइस उसको हम इसमें सारा ऐड कर देंगे देखिए इस तरह से अब हम इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे जब सेवेंटी टू एटी परसेंट चावल हमारा पक जाए यानी कि दो कनी आना चाहिए अच्छी तरह से हमारा चावल uh, गल जाए तब हम उसको पानी निकाल देंगे और uh, मटन में ऐड कर देंगे मटन में ऐड करने से पहले हम एक मरतबा अच्छी तरह से मैरिनेट किया हुआ मटन को मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हमारे तमाम पीसेस में अच्छी तरह से टेस्ट इसका आ जाए तो लीजिए हमने चावल को अच्छी तरह से ना लिया है इसका पानी निकाल लिया है अब हम चावल को अच्छी तरह से मटन के ऊपर ऐड कर देंगे सारे चावल को ऐड करने के बाद अब हम चावल को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे यानी कि अच्छी तरह से फैला लेंगे इवेनली देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर चंद मसाले और ऐड करेंगे तली हुई प्याज ऐड करेंगे जो हमने रखी थी आधी प्याज हमने स्टार्टिंग में मटन में ऐड की थी अब हम बची हुई प्याज इसमें इसके ऊपर से डाल देंगे देखिए इस तरह से अब हम क्या करेंगे इसमें हाफ़ कप दूध ले लिया था इसमें हमने केसर भिगो कर रख लिया था दो से तीन चुटकी के करीब वो इसके ऊपर से ऐड कर देंगे अच्छा सा कलर देने के लिए बिरयानी रेड फूड कलर हम इसके ऊपर से ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच के ख़रीब अब हम इसमें एक मुट्ठी के करीब पुदीना ऐड करेंगे एक मुट्ठी के करीब हम इसमें कोथीमिर ऐड करेंगे दो नींबू हम इसके ऊपर अच्छी तरह से निचोड़ कर ऐड कर देंगे अच्छी तरह से नींबू का रस डालेंगे हम इसके ऊपर से अब हम क्या करेंगे जो हमने जिसमें बिरयानी फ्राई की थी वो वाला ऑयल इसके ऊपर से डाल देंगे बचा हुआ ऑयल टोटल हमने इसमें आधा किलो ऑयल ऐड किया है अब हम उसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और गैस के फ्लेम को हाई करके हम हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छा सा इसके ऊपर से वजन रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से भाप इसमें से ना जाए स्टार्टिंग के दस मिनट के लिए हम उसको हाई फ्लेम पर रखेंगे उसके बाद हम उसको लो फ्लेम पर बीस से पच्चीस मिनट के लिए रख देंगे तो लीजिए ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें मिलते हैं अगली ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग